नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक नए ब्रांड न्यू फ्रेश एपिसोड में। और आज मैं कुछ ज्यादा ही फ्रेश हूं। उसका रीजन ये है कि टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो मैंने पढ़ी है। आई हैव डन माई स्टडीज इन द सेम फील्ड। और आज मैं बात करने वाला हूँ चिप्स के बारे में, सेमिनार्स के बारे में। और अभी आई एम इन मोहाली एट SCL, द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जहाँ पे अंदर दीज चिप्स आर मेड, आई मीन फ्रॉम स्क्रैच। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास में एक प्लेन वेफर है और दिमाग में एक आइडिया है, और कैसे हम क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट को अचीव करते हैं। राइट हियर एट दिस फैसिलिटी आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कंप्लीटली अप क्लोज। बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Finally inside SCL, and with me I have Dr. Manish Hooda sir, who is the head of TDD, which is the Technology Development Division. Dhanyawad Gaurav and Jai Hind to your viewers. I would like to say here, sir, Semiconductor Laboratory is the only wafer fab in India which is producing the CMOS devices for various space application and strategic application for various need of the country. When I am talking about the space grade devices, they have the highest level of quality assurance or ruggedness which is required for any device to meet before utilizing them for the space search. So guys, as you heard straight from Manish sir, SCL में जो यहाँ पे काम हो रहा है सेमीटर लेबोरेटरी में, previously known as the सेमीटर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, मतलब इट्स रियली कटिंग एज स्टफ। मैंने एक स्नीक पीक देखा है अभी, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में अ लॉट, बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल्ड अप क्लोज लुक एट चिप मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज सर आई थिंक इट्स ऑल फैसिनेटिंग, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं अंदर। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो गाइज, एवरीथिंग कमिंग स्ट्रेट टू यू इन दिस वीडियो, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है HCL। Guys, I'll tell you some amazing fact about this space where I'm in right now. ये इंडिया की, पूरे देश की सबसे ज्यादा साफ जगह है। यहाँ पे सबसे पहले वेफर को हम जो टाइप का वेफर हमें यूज करना है जी, उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, हम येलो पॉड से वेफर को ट्रांसफर करते हैं एक व्हाइट पॉड में। इसके अंदर वेफर ट्रांसफर होने के पश्चात वेफर लेजर मार्किंग मशीन पे जाएगा सबसे पहले। सर, हाउ मेनी वेफर्स इन वन पॉड? आई थिंक एक बॉक्स के अंदर, एक लॉट के अंदर हम 25 वेफर लेते हैं। 25 वेफर्स इन वन, मोस्टली सभी प्रोसेसेस 25 वेफर के साथ चलती है। 25 वेफर। गौरव जी, वेफर्स को हम ले जाते हैं लेजर मार्किंग सिस्टम पर। यहाँ पे हम लेजर मार्किंग सिस्टम पे यहाँ पे पॉड रख देते हैं। एक पॉड यहाँ होगा, रेसिपी वहां से सिलेक्ट होगी। ओके, रेसिपी सिलेक्ट करने के बाद वन बाय वन वेफर अंदर जाएगा और लेजर से उस पर कोडिंग कर दी जाएगी। जैसा कि आपने कहा था, वहाँ इसका फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन रहेगा, क्या लॉट है, कौन से डिवाइस के लिए ये लॉट रहा। सो दैट्स ऑल हैपनिंग इन, दैट्स हाउ व्हाट ओनली द एरिया वेयर द वेफर विल बी ओपनड इन दिस एनवायरमेंट। So this is the area where you can see the wafer at macroscopic level in 457 steps. 200 steps are for inspection. So I think after every process, yes, you need to inspect, and these guys needs to give them the clearance. Whatever you have done is okay or not. If you miss something, yes, and you realize it later, yes, then it is everything finished. Hmm. तो सर, ये हमारे पास दो मैजिक मशीन हैं। ओके,
जो कि लिखने का काम करती हैं वेफर पर, इनको हम लिथोग्राफी मशीन बोलते हैं। एक मशीन का नाम है स्टेपर, एक मशीन का नाम है स्कैनर। वेफर के बॉक्स को यहाँ लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद एक रेसिपी सिलेक्ट कर ली जाती है। वो रेसिपी क्या करती है, वेफर को बेकिंग करेगी, उस पर फोटोरेजिस्ट डालेगी और उसको एक यूनिफॉर्म कोटिंग कर देगी फोटोरेजिस्ट की, जो लेयर हमने पर्टिकुलर थिकनेस की सर जी। वो कोट होने के बाद सर वेफर चला जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर, जो कि हमारी लिथोग्राफी मशीन है, स्कैनर और स्टेपर। आई मीन द वे एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, द वे थिंग्स आर मूविंग विद इन इटसेल्फ। सर ये बहुत कॉस्टली चीज है। ओह, तो ये एकदम अलग है। हाँ जी सर, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है आपकी, बट द साइज इज द सेम। साइज इज द सेम। ये रेटिकल साइज बोलते हैं हम। ये सब मास्क है सर फॉर डिफरेंट, ये डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट लेयर्स। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब एक पर्टिकुलर एसिक बन रहा है, मुझे कम से कम 23 मास्किंग लेयर की जरूरत पड़ती है। बार बार। लेकिन हर मास्क में अलग अलग लेयर है जी। तो अगर आप देखें, ये मास्क है, ये स्ट्रक्चर है जो कि क्रोम के अंदर प्रिंटेड है, जो डिजाइनर ने हमें दी है सर। सर एक बेसिक रफ एस्टिमेट लेने के लिए अगर मैं पूछूं, हाँ जी, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एंटायर मशीनरी पुट टुगेदर? वेल गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू आस्क ए इम्प्लांटर इक्विपमेंट कॉस्ट, सिंगल इम्प्लांटर जी, इट विल कॉस्ट मी अराउंड $12 million ए प्रोडक्शन वर्दी। पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, 120 करोड़ रुपए का एक implant. एक मशीन है। अगर पूरी फैब की मशीनों को अगर मैं मिला दूं, सर मैं नहीं करना चाहूंगा। अभी हमारी सरकार ने जो प्लान दिए हैं वो इतने अच्छे हैं, जिसके अंदर उसने एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है, जहां सरकार पैसे दे रही है, ओके मैं इतना पैसा दे रही हूं, इतनी आपको फैसिलिटी दे रही हूं, आप आइए और फैब लगाइए जी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जी। तो आप कोई भी वेफर इसमें से उठा सकते हैं। मैं इसको ऐसे लगाऊंगा सर, इसके साथ वेफर पकड़ लिया इसने, ताकि वैक्यूम रिलीज हो जाए। ये वेफर घूम रहा है, इसमें रिंस एंड ड्राई प्रोसेस हो रही है। ओके, so in this machine we can do 3 processes. You can load your open cassette here, okay, and you can do here dielectric etching, metal etching, and then ashing the wafer. Okay, so all the 3 different processes one on a single in platform, but in different chamber, in a sequence. Yes. Wafer which came from that will be in this form, 8-inch wafer. Okay. So once this wafer came, we used to dice it, and after dice, we used to package it in some kind of a different kind of a packages. And once the testing, wafer level testing is also being done here, and identifying the good dies and bad dies, and then the wafer is diced. Good dies are picked and they are kept separate for packaging. So these are the different type of packages which we have for different applications. Okay. So depending upon the applications, you use to use different packaging. So इसमें एक मुझे बहुत exciting लग रहा है. Right. In fact, दो मैं बोलूँगा. बोलिएगा. One is Vikram. Yes. And one I can see Navik. Navik. Yes. You have rightly captured, Gaurav ji. Vikram is the workhorse of all launch vehicles in India. Talk about PSLV, GSLV. Vikram is the pilot. And Navik is used for the communication. It's a payload ASICs. Jee. However, rest of the ASICs which has been shown here, sir, they are for different applications in the payloads. These are the product which are space qualified. But it is good that हमने इतने सारे scan किए, उसमें से केवल कुछ ही हमारे को हाँ. Yes. It means these are the outlier always, which is lies on the edge where partial of the die is being printed during the print area itself. So still there is a hope that few devices left in that. That's why we used to test. Singh Saab is saying that these dies are showing the leakages
which are out of stack. Device is not failed, but leakage is more. Mean power consumption of your device will be more. Understood. ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये हमने वेफर में से निकाला. जो आपको यहाँ पे चारों तरफ पिंस दिख रही हैं, ये आपके कनेक्टर पॉइंट्स बन जाते हैं बाहर की दुनिया से, जहाँ पे आप इसको यू नो लगाएंगे अपने बोर्ड पे. अब इंटरफेसिंग के लिए अगर आप देखोगे तो चारों तरफ 25 माइक्रोन की थिकनेस के वायर्स लगे हैं. मतलब मैं देख पा रहा हूँ बहुत एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को दिख रहा है, अदरवाइज इट्स एज गुड एज कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं. एंड दिस इज़ ऑल डन बाय दिस मशीन. इट्स मैजिक एक्चुअली. मतलब जिस स्केल पे ऑपरेट हो रहा है, द पूरा जो ऊपर वायर का रोल है वो दिख रहा है. दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ यू नो सेमीकंडक्टर्स, इट्स वेरी चैलेंजिंग एट काइंड ऑफ ईच यू नो स्टेप. बनाने से पहले प्रिपरेशन, बनाया उस टाइम पे कंप्लीट प्रोसेसेस, बन गया उसके बाद में कंप्लीट करने के लिए वेल यू नो यू टेस्ट इट, यू डू द पैकेजिंग टू गेट इट मार्केट रेडी. बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग यू नो चीज़ों के थ्रू वन बाय वन वी गेट टू द फाइनल प्रोडक्ट. एंड टू बी श्योर कि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, इट्स एज पर द स्पेसिफिकेशंस एंड इट्स गोना सस्टेन इन द एक्सट्रीम सिनेरियोज. फॉर एग्जाम्पल, मनीष सर ने हमको बताया स्पेस सिनेरियो के बारे में. वहाँ पे देर इज़ जीरो टॉलरेंस, बिकॉज आपको पता है द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग इन. जिस तरीके से एक रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है एंड देयर इज अ सैटेलाइट, वहाँ पे हर चिप यूड वॉन्ट टू यू नो मेक श्योर कि वो जैसा आपने प्लान किया है वैसा काम करता रहे. सो दैट्स द रीज़न टू यू नो कि बन गया, बनने के बाद में यहाँ पे आया, तो इट ईच स्टेप वी हैव गॉट multiple things going on to make sure that you know you get that final product completely correctly. Is it exactly the same corridor jiske upar hum walk kar rahe hain? Almost same. All the toxic gases, they are routed from the bunker to this area and distributed in different areas. Their electrical panel, their utility supply are routed from here. So this is how things are being done. Now you see, these are the local distribution panels of your gas systems. You can see the flow. Yeah, you can see the flow. Whereas rest of the area, they can keep into this area. We generate nitrogen oxygen from our generation center or houses in big vessels. Okay. Then use these purifiers to purify to the 5, 6 or 7 N. Yes. With all impurities and then supply to the fab. Okay. एक वेफर बनाने में मनोज भाई को 1400 लीटर डीआई वाटर चाहिए. तो गाइस, देखा आपने कि कितनी सारी प्रोसेसेस जाती हैं. एंड मनीष सर, अनिल सर, आपने हमको सारा बता दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. क्योंकि मैं अगर आप सारे दरवाजे खुले भी छोड़ देते ना, तो मैं आके कुछ नहीं समझ पाता, देख के केवल कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे हो रही है. एंड ऑल थैंक्स दैट यू गेव द एंटायर एक्सेस टू यू नो शोकेस ऑल द व्यूअर्स. आप सब गाइस जो देख पा रहे हैं ये चीज़, इट इज़ वेरी रेयर, इट इज़ सुपर एक्सक्लूसिव. मतलब आई एम नॉट श्योर सर कि ऐसा कभी कहीं गया हो अगर वीडियो पर. नहीं, ऐसा वीडियो पहले कभी शूट नहीं हुआ है जी. ये एजुकेशन स्टैंड पॉइंट ऑफ से है. एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम. एंड ऑफ कोर्स वी आर थैंकफुल टू डायरेक्टर SCL एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर जी, हु हैज टुक द इनिशिएटिव particularly to shoot this video for the educational purpose. And I think it is a phenomenal experience for us also, because this is the only one kind of a facility in India. In India, yes. And of course, it is, doors are not open to everybody. But now, since with your video, I would say that people will come to know what is there all required to make the device from CAD to the final application. Jai Hind. Again, as sir said, Jai Hind, because I mean, it's about India. We are in Mohali right now. And inside this building, what you have seen till now, it's definitely a matter of proud. And aage chalke, I'm sure with multiple new policies coming in, you know, with multiple new ideas coming in, India decade ki baat kar rahe hain, sir, hum. Right, sir. And I'm sure ki jo abhi ka time hai, it's the best time in India for Indians to excel, to grow in the field of tech. At the same time, for you know, जो दुनिया भर के लोग हैं,
वो हमारे देश में आके काम करना चाहते हैं, वो हमारे देश में आके अपने सेटअप लगाना चाहते हैं. सो आगे चल के विल डेफिनेटली इवॉल्व यू नो इन अ बेटर वे टू सी इवन अमेजिंग थिंग्स. और अभी के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है एक्सीएल का इज ग्रेट स्टफ. गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है. यू नीड टू लाइक इट, यू नीड टू शेयर इट, फैलाओ चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, सबको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे. एंड अगर पसंद आ ही रहा ज़्यादा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज आपको टाइम टाइम पे और मिलती रहेंगी. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.